नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मुइना। इस देश में सो कॉल्ड सेक्युलरों की जमात की कमी नहीं है। ये सो कॉल्ड सेक्युलर ऐसे हैं जो तभी बाहर निकलते हैं जब हिंदू, हिंदुत्व और हिंदुस्तान के खिलाफ बोलना, तब बाहर नहीं निकलेंगे जब एक मुस्लिम गायिका का कुछ कट्टरपंथी मौलाना सिर्फ इसलिए विरोध शुरू कर देते हैं क्योंकि उसने महादेव के लिए हर हर शंभू गाना गाया था। ये हिंदुस्तान ऐसा है, यहाँ की मिट्टी ऐसी है जहाँ महादेव की प्यारी काशी में स्थित बाबा विश्वनाथ के दरबार में कभी खुद भारत रत्न से सम्मानित शहनाई वादक बिस्मिल्ला खान शहनाई बजाया करते थे। ये हिंदुस्तान ऐसा है जहाँ मोहम्मद रफी जैसे महान गायक भगवान के लिए एक से बढ़कर एक भजन गाया करते थे जिन्हें आज भी लोग सुनते हैं। ये हिंदुस्तान ऐसा है जहाँ पाकिस्तान के मशहूर गजल सम्राट गुलाम अली भी काशी के मंदिरों में आकर भजन गुनगुनाते। लेकिन तब किसी कट्टरपंथी मौलाना या मौलवियों ने ऐतराज नहीं जताया और आज जब जिला मुजफ्फरनगर की रहने वाली फरमानी नाज ने महादेव के लिए हर हर शंभू गाया, जैसे देवबंद के मौलानाओं के दिल में आग लग गई। और मौलाना मुफ्ती असद कासमी तो सीधे विरोध में ही उतर गए और बयान दे दिया कि इस्लाम में शरीयत के अंदर किसी भी तरह के गाना गाना जायज नहीं। मुसलमान होते हुए अगर कोई गाना गाता है तो ये गुनाह है। किसी भी तरीके के गाने उनसे परहेज करना चाहिए। मुसलमान होने के बावजूद ऐसे गाने गाना गुनाह है, उनको इससे तौबा करनी चाहिए। जो भी नाच गाना करते हैं या गाना गाते हैं वो शरण जायज नहीं है, हराम है, और हराम काम से मुसलमान को परहेज करना चाहिए। तो इस औरत ने जो गाना गाया है शरण जायज नहीं है, हराम है, इसको अल्लाह रब्बुल इज्जत से तौबा करनी चाहिए। फरमानी नाज के हर हर शंभू गाए जाने पर जब देवबंद के मौलानाओं की ओर से विरोध जताया गया तो ऐसे मुश्किल वक्त में मशहूर गीतकार मनोज मुंतशिर उनके समर्थन में उतर गए। तेरी मिट्टी जैसा मशहूर गाना लिखने वाले मनोज मुंतशिर ने काशी के ज्ञानवापी विवाद का जिक्र करते हुए एक ट्वीट में लिखा, एक मुस्लिम महिला फरमानी नाज ने शिव भजन गाया और फतवा जारी हो गया। एक भी सेक्युलर ने इस फतवे की निंदा नहीं की। शिवलिंग को फव्वारा कहने वालों को शाबाशी और हर हर शंभू गाने वालों को फतवा, ये है सेक्युलर इंडिया का असली चेहरा। कृपा है ईश्वर की कि मैं सेक्युलर नहीं हूँ। ऐसे समय में जब हर हर शंभू गाए जाने के बाद कुछ कट्टरपंथी मानसिकता वाले लोग फरमानी नाज के विरोध में उतर आए तो गीतकार मनोज मुंतशिर ने समर्थन में उतर कर उनका हौसला बढ़ाया। लेकिन इस ट्वीट में मनोज मुंतशिर ने जो फतवे का जिक्र किया उस पर फरमानी नाज ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मुझे ये बताइए फरमानी कि आप ही के कौम के लोग आपका विरोध कर रहे हैं और उन सब के बीच से निकल के आप लगातार आगे बढ़ रही हैं, डर नहीं लग रहा? नहीं मैम, कोई फतवा तो जारी हुआ नहीं, बाकी कुछ लोग हैं ऐसे जो ऐसा बोल रहे हैं और हम इतना ध्यान भी नहीं देते तो बस अपने काम पर फोकस रखते हैं। बाकी हमें सुनने वाले जो हमारे ऑडियंस हैं वो सभी धर्म के हैं और कम से कम हमारे 10 मिलियन फॉलोअर्स हैं जो हमें सुनते हैं, तो वो कभी मुझे करके नहीं सुनते कि मुस्लिम है हम इसको क्यों सुने, बस उनको मेरी आवाज़ अच्छी लगती है तो मुझे इतना सपोर्ट करते हैं। तो मतलब वही कि अभी तो फतवा जारी नहीं हुआ लेकिन हमारे देश में फतवे बहुत जल्दी जारी हो भी जाते हैं, तो डर नहीं लग रहा है? नहीं मैम, फतवा ऐसा कुछ भी नहीं है और ना कि किसी ने, मैं अपने जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ पे भी सब मुस्लिम ही हैं और हर हर संबूत को तो 8-9 दिन हो गए गाए हुए, तो मैं प्रोग्राम में भी गई, अपने गांव में भी रही, तो वहाँ पे किसी ने भी ऐसा नहीं कहा कि भाई आप ऐसा गा दिया है, वो बस थोड़ा ऐसे सुनने मारा है कि ऐसा बोल दिया, बाकी फतवा कुछ ऐसी चीज नहीं है बिल्कुल। यूपी के मुजफ्फरनगर जिले की रहने वाली फरमानी नाज के बारे में आपको बता दें कि वो एक तलाकशुदा महिला, शादी के 1 साल बाद उनका बेटा पैदा हुआ था, उसके गले में कुछ तकलीफ थी, इसे लेकर ससुराल वाले और पति फरमानी को प्रताड़ित करने लगे थे। फरमानी अपने मायके आ गई और यहाँ गांव के एक शख्स ने उन्हें गाना गाते सुना और उसका वीडियो बनाकर YouTube पर अपलोड कर दिया। इसके बाद ही फरमानी नाज ने गाने बनाना शुरू किया और YouTube पर फेमस हुई। फरमानी ने बताया था कि YouTube उनकी कमाई का मुख्य साधन है
और इसी प्लेटफॉर्म पर उन्होंने जुलाई में सावन के महीने के दौरान हर हर शंभू गाना गाकर अपलोड किया था। लेकिन इस गाने की वजह से कुछ कट्टरपंथी मौलाना बुरी तरह से भड़क गए। बहरहाल ऐसे तमाम विरोधियों को मुंहतोड़ जवाब देते हुए फरमानी नाज ने एनएमएफ न्यूज को दिए गए इंटरव्यू में क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। फरमानी नाज, ये नाम आजकल बहुत चर्चाओं में है। इसके पीछे की वजह एक तो हर हर शंभू गाना है और दूसरी वजह यह है कि इस गाने को गाने के बाद फरमानी से बहुत सारे मौलाना नाराज हो गए हैं, फतवा जारी करने की धमकी दे रहे हैं। तो फरमानी आज हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बहुत सारे मुद्दों पर बात करेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया। मुझे ये बताइए फरमानी कि आप ही के कौम के लोग आपका विरोध कर रहे हैं और उन सब के बीच से निकल के आप लगातार आगे बढ़ रही हैं, डर नहीं लग रहा? नहीं मैम, कोई फतवा तो जारी हुआ नहीं, बाकी कुछ लोग हैं ऐसे जो ऐसा बोल रहे हैं और हम इतना ध्यान भी नहीं देते, तो बस अपने काम पे फोकस रखते हैं। बाकी हमें सुनने वाले जो हमारे ऑडियंस हैं वो सभी धर्म के हैं और कम से कम हमारे 10 मिलियन फॉलोअर्स हैं जो हमें सुनते हैं, तो वो कभी मुझे करके नहीं सुनते कि मुस्लिम है हम इसको क्यों सुने, बस उनको मेरी आवाज़ अच्छी लगती है तो मुझे इतना सपोर्ट करते हैं। तो मतलब वही कि अभी तो फतवा जारी नहीं हुआ लेकिन हमारे देश में फतवे बहुत जल्दी जारी हो भी जाते हैं, तो डर नहीं लग रहा है? नहीं मैम, फतवा ऐसा कुछ भी नहीं है और ना कि किसी ने, मैं अपने जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ पे भी सब मुस्लिम ही हैं और हर हर संबूत को तो 8-9 दिन हो गए गए हुए, तो मैं प्रोग्राम में भी गई, अपने गांव में भी रही, तो वहाँ पे किसी ने भी ऐसा नहीं कहा कि भाई आप ऐसा गा दिया है, वो बस थोड़ा ऐसे सुनने मारा है कि ऐसा बोल दिया, बाकी फतवा कुछ ऐसी चीज़ नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा, तो ये सफ़र शुरू कैसे हुआ, मतलब आप अपनी लाइफ में कैसे आगे बढ़ी, ये गाने का आइडिया कहाँ से आया, शुरुआत कैसे हुई? मैम मेरी तो शादी हो गई थी, अपने छोटा हसनपुर मेरी शादी हुई थी और गाने का शौक मुझे बचपन से था, पर जैसे मैं अब गा रही हूँ ऐसा मैंने कभी पहले नहीं गाया और ना ही कभी ऐसी उम्मीद जताई कि मैं कहीं गाऊँ या मुझे शौक है कि मैं कहीं बड़े मंच पे गाऊँ, बस ऐसे अपने गाँव में अपने घर में गा लिया, शादी हो गई वो भी सब शौक ख़त्म हो गया, वैसे ऐसे घर में गुनगुना लिया, फिर ससुराल वालों ने ज़्यादा दुखी किया, हस्बैंड का दूसरी लड़की से चक्कर था, फिर मेरे एक बेटा हुआ जो उसके हलक में इतनी प्रॉब्लम थी तो उसको लेके भी वो मुझे परेशान करने लगे, तो मैं अपने घर पे आ गई, मैंने कुछ दिन उनका वेट किया, वो बिल्कुल नहीं आए मुझे देखने के लिए ना बच्चे को देखने के लिए, तो फिर मेरी आवाज़ अच्छी थी, मैंने सोचा सोशल मीडिया तो चल ही रहा है, तो जो मेरा भाई है फरमान और जो भूरा ढोलक है तो एक चैनल पर गाना गाते थे जो राहुल कुमार का चैनल था, तो राहुल कुमार ने हमारी वीडियो उस पर अपलोड की और वो इतना वायरल हुआ गाना, बहुत ज़्यादा पब्लिक ने बहुत सपोर्ट किया उसे, तो मतलब उम्मीद की थी कि इतना बड़ा हिट हो जाएगा क्योंकि गाने तो आपने और भी गाए होंगे इससे पहले, लेकिन इसे जो पब्लिसिटी मिली, इसे जो प्यार मिला और खासकर कांवड़ के दौरान हमने देखा कि हर जगह यही सुनाई दिया, एक्सपेक्ट किया था कि इतना हाइक पे पहुंच जाएगा? जी नहीं, मैंने भजन, हमारा खुद का नाच भक्ति यूट्यूब चैनल है जिसपे और भी भजन पड़े हैं और अच्छे अच्छे हैं, कान्हा जी के भी हैं, कृष्ण भगवान जी के, और हर हर शंभू तो मैंने अब गाया है, उससे पहले कावड़ यात्रा में 2 भजन गाए थे जो मेरे भाई के साथ थे डुइट गाने, फिर उसके बाद हमने हर हर शंभू गाया जो अच्छा लग रहा था, ऐसे गुनगुना रही थी मैं तो बोलने लगे कि अच्छा लग रहा है इसको गाँगे, तो अनुज भाई ने इसको लिख के दिया और परविंदर सर ने मेरे साथ में गाया, तो हमने बहुत मतलब उस पर मेहनत करके जब इस सॉन्ग को निकाला और बहुत काफ़ी मेहनत के बाद हमने इसको गाया, तो अब उस पर पब्लिक का बहुत सपोर्ट रहा और हर गली में वही गूंज रहा, आपको पता है।